बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 4 पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार सफ़ा नंबर 19 पर है, हम इसके मश्क को आज हल करेंगे। आइए देखते हैं मश्क को। सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार के मुताबिक दर्ज ज़ैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें। आइए इन सवालात का जायज़ा लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान की तहजीब व सकाफत कैसी है? जवाब है, हमारा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसी इकाई है जिसमें मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों का रंग शामिल है। इसकी मिसाल एक रंगारंग गुलदस्ते की है। हर फूल अपनी जुदागाना हैसियत का हामिल होने के बावजूद गुलदस्ते से किसी तरह अलग नहीं। पाकिस्तान के सूबों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के अलावा मुतअद्दद कबाइली इलाकों और एजेंसियों का अलग अलग रहन सहन है। इनफरादियत के बायस इनके ज़बानी पहनावे और रस्म व रवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इस्लामी नज़रिए की वहदत ने इन्हें एक लड़ी में परो दिया है। सवाल नंबर 2 है, लोक विरसे के मेले में कौन सी अशिया की नुमाइश होती है? जवाब है, इस मेले में रंगारंग तकरीबात का अहतमाम किया जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की दस्तकारियों और घरेलू संतों की नुमाइश होती है, जिससे हर सूबे की तहजीब व सकाफत को जानने का मौका मिलता है। मुख्तलिफ स्टॉल लगते हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोग अपने हाथों से तैयार की हुई मुख्तलिफ चीज़ें नुमाइश के लिए रखते हैं। सवाल नंबर 3 है, कोई से 4 त्यौहारों के नाम लिखें। मजहबी त्यौहारों में शबे मेराज, शबरात, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, योम आशूरा, मुहर्रम और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। सवाल नंबर 4 है, शेंदोर का महल्लब को बयान करें। जवाब है, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को सियाहों की जन्नत कहा जाता है। शेंदोर का खूबसूरत और दिलरुबा इलाका भी इनमें शामिल है। गिलगित और चित्राल के दरमियान शेंदोर का दर्रा कराक्रम, हिंदुकश और पामीर के पहाड़ी सिलसिलों का संगम है। सवाल नंबर 5 है, समंदर की सतह से शेंदोर की बुलंदी कितनी है? जवाब है, शेंदोर समंदर की सतह से 3738 मीटर की बुलंदी पर वाकया है। सवाल नंबर 2 है, सबक पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। 1 पहला ऑप्शन है, पाकिस्तान की तहजीब व सकाफत की मिसाल है एक फूल की तरह, एक रंगारंग गुलदस्ते की, एक खूबसूरत दरख्त की, हरी भरी घास की। तो सही जवाब है, एक रंगारंग गुलदस्ते की तरह। पाकिस्तान के मशहूर मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को एक लड़ी में परो दिया है लसानी नज़रिए ने, कबायली नज़रिए ने, सूबाई नज़रिए ने, इस्लामी नज़रिए ने। सही जवाब है, इस्लामी नज़रिए ने। लोक वरसा का मेला शोहरत का हामिल है, इलाकाई, सूबाई, मुल्की, आलमी। सही जवाब है, आलमी। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर मुल्क है, सन्नती, ज़रई, तफरीही, साहिली। तो सही जवाब है, ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेला मोएशिया मुनक्कद होता है जनवरी के आखिरी हफ्ते में, फरवरी के आखिरी हफ्ते में, मार्च के आखिरी हफ्ते में या अप्रैल के आखिरी हफ्ते में। सही जवाब है, फरवरी के आखिरी हफ्ते में। लोक वरसा के ज़ेर एहतमाम मेले का इनाकाद किया जाता है लाहौर में, शेंदोर में, इस्लामाबाद में, सीबी में। सही जवाब है, इस्लामाबाद में। पाकिस्तान का दिल कहा जाता है इस्लामाबाद को, कराची को, मुल्तान को या लाहौर को। सही जवाब है, लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। हर साल सिब्बी मेले का इनाकाद किया जाता है, होता है 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 15 मार्च को या 15 अप्रैल को। सही जवाब है, 15 फरवरी को। दर्जेल अल्फाज, सवाल नंबर 3 है, दर्जेल अल्फाज के मानी लुगत से तलाश करके लिखें और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। मुसाफत मानी है सफ़र का। लाहौर से इस्लामाबाद की मुसाफत तकरीबन 4 किलोमीटर है। मवेशी, चौपाए, जानवर, 4 टांगों वाले जानवर। सही, देहात के लोग मवेशी पालते हैं। मुहीत, छाया हुआ, घेरने वाला। इसका जुमला बनेगा, अल्लाह ताला का इलम हर जगह पर मुहीत है। नुमाइश, दिखावा,
इबादत में नुमाइश करना इबादत को ज़ाया कर देता है। फ़रोग मतलब है इजाफा। जुमला है, पाकिस्तान में इलाकाई मेलों के ज़रिए दस्तकारियों को फ़रोग मिलता है। दस्तकारी, दस्तकारी का मानी है कारीगरी। इलाकाई मेलों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की दस्तकारियों की नुमाइश होती है। सवाल नंबर चार है, दर्जे ज़ैल अल्फाज में मुज़क्कर और मोनस को अलग अलग करके लिखें। लफ्ज़ काफ़त मोनस है, रक्स मुज़क्कर है, मुहीत मुज़क्कर है, मिजार मुज़क्कर है, उर्स मुज़क्कर है, तहजीब मोनस है, रवायत भी मोनस है। सबक पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पूर करनी है। सिब्बी दर्रा डैश के दिहाने पर आबाद एक शहर है। इसका सही जवाब है बुलान। पाकिस्तान की अक्सरियत डैश के शोबे से मुंसलिक है। खाली जगह का दूसरा ऑप्शन है ज़रात। रात के वक्त डैश का मुजाहिरा मेला मुशिया को चार चांद लगा देता है। ऑप्शन नंबर थ्री का सही जवाब है आतिशबाजी। शेंदूर में पोलो का खेल डैश साल से मरूफ है, 800 साल से। सिब्बी मेले की रवायत डैश से ज़ायद अरसे पर महीत है, एक सदी से ज़ायद अरसे पर महीत है। दर्जा ज़ैल मुहावरात तो तरकीब का मफहूम वाजे करें। एक लड़ी में परो देना मतलब है किसी कौम का मुतहिद हो जाना, चार चांद लगाना, रौनक में इजाफा करना, नुमाया मकाम रखना, बुलंदोबाला इज्जत का मर्तबा पाना, शोहरत हासिल करना, बहुत मशहूर हो जाना, इश्तराकी अमल, किसी अहम काम में एक दूसरे का साथ देना। सवाल नंबर सात का जायज़ा ले। सबक पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार के मुताबिक कॉलम अलिफ को कॉलम अलिफ के अल्फाज को कॉलम बेक्स के मुतलका अल्फाज से मिलाइए। कॉलम अलिफ में शेंदोर है, पोलो मैच खेला जाता है, मेला मुशिया आला नसर के जानवरों का खेल होता है, शबरात एक मजहबी त्यौहार का नाम है, लोक वर्षा मेला इस्लामाबाद में मुनक्कद किया जाता है। पाकिस्तानी तहजीबों सकाफत एक रंगारंग गुलदस्ते की तरह है। सूफिया का मिजार उर्स और मेले। सवाल नंबर आठ है, दर्जा ज़ैल अल्फाज में से वाहद की जमा और जमा के वाहद लिखें। मुल्क मुमालिक, मकासद मकासद जमा है इसका, हमने वाहद लिखने हैं मकसद मकासद। ज़रिया ज़राए, कबीला कबाइल, लिबास मलबूस, सूफिया सूफिया जमा है इसका, वाहद बनेगा सूफ़ी। सवाल नंबर नौ है, सबक पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदही टिक से करें। लोक परसा के मेले में 30 से ज़्यादा मुमालिक की दस्तकार के दस्तकार शरीक होते हैं, गलत 20 से ज़्यादा शरीक होते हैं। पाकिस्तानी तहजीब को बनाने और संवारने में इस्लामी त्यौहारों का बड़ा अहम किरदार है, दुरुस्त। कौमी और इलाकाई त्यौहार लोगों में मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करते हैं, दुरुस्त। शेंदूर का पोलो ग्राउंड दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन ग्राउंड है, गलत, दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है, दूसरा नहीं है बल्कि पहले नंबर पर है। मेले लोगों को एक दूसरे के करीब आने के मौके फराहम करते हैं, दुरुस्त। शेंदूर में हर साल गिलगत और बल्तिस्तान की रवायती हरीफ टीमों के माबैन पोलो मैच मुनक्कद होता है, ये गलत है क्योंकि हर साल गिलगत और चतराल की रवायती हरीफ टीमों के माबैन पोलो मैच मुनक्कद किया जाता है। उम्मीद है तुलबा आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।